आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। आज का हम लोग आ चुके हैं आज एक न्यू वीडियो के साथ। तो टीम शील्ड ऑफिशियल्स की तरफ से हमारा जो रोज़ का कस्टम है तो हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा। आज फिर से हम लोग आ चुके हैं नए मैच के साथ। आज का मैच होगा एरंगल और हमारी टीम सभी ज्वाइन कर रही है। अभी एक मिनट में शायद मैच स्टार्ट होने वाला है, तो देखते रहिए हमारा आज का मैच। देखते हैं कौन आज चिकन डिनर लेके जाता है। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर हो सके तो शेयर भी कीजिए। अपने भाई का चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए और हम लोग ऐसे कस्टम शूट करवाते रहेंगे, आप लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे। और यहाँ पे मैच शुरू हो चुका है। हमारे लीडर बाबू मैच स्टार्ट कर चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आज हमारी टीम नंबर 10 या फिर शील्ड कोविड की टीम में एक नया एक प्लेयर का एडिशन हुआ है, जो कि हमारे शील्ड स्टीव, जो काफ़ी एग्रेसिव असोल्टर माने जाते हैं। शील्ड टीम शील्ड के जो बेस्ट प्लेयर माने जाते हैं, टीम शील्ड जो क्लोज रेंज के गॉड माने जाते हैं, वो आज ज्वाइन कर चुके हैं टीम कोविड को। और इधर शायद बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन देखने को, उनके टीम में और एक बंदा है शील्ड रैन, वो भी काफ़ी अच्छा खिलाड़ी है। इनकी जोड़ी क्या कर पाती है, क्या टीम कोविड आज चिकन लेके जा सकती है, देखने के लिए मेरे साथ आप लोग रहिए और गेम एंजॉय करते ही कल। और यहाँ पर हम फ्लाइट पाथ को देखेंगे। फ्लाइट पाथ स्टॉल बार से होके क्वेरी के साइड से जाता हुआ, देखते हैं कौन सा टीम किधर ड्रॉप लेती है। और इधर चलते हैं हमारे दूसरे टीम के पास, PNG पिंग 968 ML, काफ़ी बढ़िया नाम दिया है इन्होंने। प्लीज़ गाइज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए मेरे दोस्त भाई बहनों सब लोग। और अगर आप लोगों को खेलना है तो हमको डायरेक्ट DM कर सकते हैं आप लोग, लिंक दिया होगा इंस्टाग्राम का। और इधर एक टीम ड्रॉप ले चुकी है टीम नंबर 20 और टीम नंबर 18। इधर स्टॉल बार की तरफ जाती हुई टीम नंबर 18 और टीम नंबर 16 स्टॉल बार की तरफ जाती हुई शायद उनको फाइट देखने को मिलता है। देखते हैं हम लोग को टीम नंबर 16 के पास, ओपी किशोर, ओपी और रिबॉन्ड की टीम, हमारे रिबॉन्ड लोका की टीम इधर स्टॉल बार की तरफ जाती हुई और कामेश्की की तरफ जाएगी टीम 20। देखते हैं हमारी रिबॉन्ड लोका की टीम जो 15 है हमारे, वो किधर जा रही है, टीम 15 है ये हमारी टीम। देखते हैं हमारी टीम को टीम नंबर 16 किधर जाती हुई, और टीम 10 किधर जा रही है, हमारी टीम 10 के पास चलते हैं टीम नंबर 10 जो हमारी। और इधर मैक्सो भी प्रणय को डाउन कर चुके हैं, हमारे प्रणय जी को डाउन कर चुके हैं पहले ही उसी के साथ। और ये हमारे रिबॉन्ड लोका है, कौन सी टीम के थे ये, प्रणय जी शायद टीम नंबर 20 DOD के थी, हाँ DO प्रणय डीजी डाउन हो चुके हैं, प्रणय डीजी को डाउन कर दिया गया है। सामने कौन सी टीम है, सामने है टीम 17 के पास चलेंगे हम लोग डायरेक्ट इधर 17 के। और इधर MRX OP स्क्रांचर टीम नंबर 7 से याचना पे फाइट चलता हुआ, इधर SOA 20 हगे मारू को डाउन कर चुके हैं टीम नंबर जो 7, उनके साथ भी फाइट चलता हुआ इधर। और इधर SOA बीस्ट डाउन कर चुके हैं और एक बंदे को, देखते हैं ऐसे की टीम किधर, टीम नंबर 23 SSJ गॉड, SOA बीस्ट और लॉकी स्लेयर MR100 प्रणय जी को फिर से डाउन कर चुके हैं और SOA बीस्ट डाउन हो चुके हैं। ROR की टीम सामने है, लॉकी SSJ गॉड हमारे अनुराग बाबू उनको रेफ करेंगे या उनसे गन ले चुके हैं। और टीम नंबर 10 से फाइट चलता हुआ इधर टीम शील्ड रायन डाउन हो चुके हैं, देखते हैं शील्ड स्टीव उनको बचा पाते कि नहीं, शील्ड स्टीव के कंधों पे बहुत बड़ा जिम्मेदारी। और ऐसे से गॉड डाउन हो चुके हैं DP के द्वारा, काफी अच्छा सरफेस स्ट्रक्चर। और ऐसे ट्रिप को डाउन कर चुके हैं शील्ड स्टीव अपने
गेम प्ले दिखाते हुए अपनी डोमिनेशन स्टार्ट कर चुके हैं स्टीव शील्ड रायन की जोड़ी। इधर देखते कितना डेल गोल यहाँ पे एकदम ब्लेंडर को डाउन कर चुके हैं शील्ड स्टीव शील्ड रायन को अपने दोस्त को रिवाइव करते हुए इधर और इधर एक शॉटगन छोड़ती हुई उनके लिए। शायद ये निहत्ता थे और उनको नॉक कर दिया गया था पोचिन की पे। अभी तो टीम नंबर 10 पोजिंग में बोल रहा हूँ प्रीमोर्स पे थे ये दोनों और शील्ड स्टीव अपने एम 16 के बस्ट मोड के साथ पहले ही एस आर आई पी को लेके जाते हुए अपने नाम पे एक किल कर चुके हैं। अभी सामने मुन्ना की टीम है शील्ड पीके की टीम है शील्ड वर्सेस शील्ड यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फाइट देखने को मिल सकता है आप लोगों को इधर। और शील्ड स्टीव अपने एम 16 है उनके पास अभी थोड़ा हेल्पफुल करेंगे शील्ड रैन के पास शील्ड वायरस के पास चलते हैं। शील्ड नजू हमारे उनकी टीम के स्नाइपर हैं अभी सिर्फ एक लेवल 1 का वेस्ट मिला है उनको उनके पास ना हेलमेट है ना कुछ है नो गन। अभी टीम शील्ड के पास स्टीव के पास जाएंगे उनके सामने टीम 19 है टीम 5 है टीम 5 है टीम 19 है और इधर पिंग 96 है रेडोमिन को डाउन कर चुके पिंग 96 है मोस्ट रेडोमिन डाउन होते हुए इधर और देखते हैं उनके पास क्या है। हाँ शील्ड की टीम उनके सामने है टीम 19 है शील्ड टीम 2 है काफी टीम 4 टीम उस पर उतरी है काफी। अब यहाँ पे शील्ड पीके की टीम है शील्ड पीके की टीम भी उधर है तीन टीम इधर आमने सामने हो सकती है इधर टीम शील्ड दो टीम शील्ड टीम के दो टीमें और डेड गोल इधर एकदम ब्लेंडर को फिनिश करते हुए शील्ड स्टीव यहाँ से फॉल बैक करना चाहेंगे अपनी टीम के लिए लूट कलेक्ट करना चाहेंगे आगे बढ़ रहे हैं जोन भी काफ़ी दूर है उनसे शायद व्हीकल मिलेगी कि नहीं पता नहीं क्योंकि इधर व्हीकल हाँ वो लोग फॉल बैक कर रहे हैं इधर से काफ़ी अच्छा डिसीजन यहाँ पे उनकी टीम के आईजीएल शील्ड स्टीव के द्वारा क्योंकि यहाँ पे चार टीम का बहुत ही बढ़िया क्लस्टर बनता हुआ शायद वो लोग सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं क्योंकि उनको अच्छा खासा लूट भी नहीं अभी स्कारल मिलता हुआ शील्ड स्टीव के इधर शायद शील्ड नजू को एक गन वो दे सकते हैं लेकिन शायद पहले ही दे चुके हैं पता नहीं देखते हैं दूसरा किधर फाइट होने के चांस है हम लोग आपको उधर जॉर्जो पुल पे हमारे टीम नंबर 4 जॉर्जो सिटी लूट करती हुई शील्ड इल्ला की टीम जो हमारी आईजीएल है पहले दो मैचों में काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर चुकी है शील्ड इल्ला एक ही मिल चुके हैं उन लोगों को और दीप डिकार्डो मैं तो बैठा हूँ दीप डिकार्डो वर्सेस शील्ड स्टीव का फाइट देखने के लिए हमारे दीप डिकार्डो और शील्ड स्टीव की बहुत ही जोड़ी जो हम लोगों को बहुत मैच इन लोगों ने जिताया है तो आज देखते हैं शील्ड दीप डिकार्डो वर्सेस शील्ड स्टीव के टीम के बीच फाइट देखने के लिए हम लोग बैठे हैं इधर और इधर शायद उन लोगों का फाइट हो चुका है टीम नंबर 12 के साथ नहीं टीम नंबर 12 जोजोपुल सिटी पे है टीम नंबर 12 किसका टीम देखते हैं केडी हेडशॉटर की टीम अमृत की टीम के साथ इधर शायद शिलीला आई हमारे आईजीएल की फाइट हो सकती है वो शायद स्पॉट कर चुके हैं पहाड़ पे किसी को नहीं अमृत हंटर किंग लेजेंडरी हॉट काफी बड़े बड़े नाम इधर हम लोगों को देखने को मिल रहा है लेकिन हमारी मार्केलोफ की टीम भी सामने इधर लूट कर रही है तो देखते हैं हमारी मार्केलोफ की टीम किधर है मार्केलोफ की टीम यहाँ से नया लूट कर रही है उनके सामने भी टीम है टीम नंबर 24 है हमको अर्ली फाइट देखने के बहुत ही ज्यादा चांसेस देखने को मिल रहे हैं। हाँ लोग यासिना बिल्डिंग लूट कर रहे हैं काफी अच्छा रेड बिल्डिंग के साइड रोड के उस साइड है काफी अच्छा डिसीजन इधर और टीम डीओडी का एक प्लेयर पहले ही उन्होंने खो दिया था। अभी सामने कौन सी टीम है हमारे एसएसजे गॉड की लॉकी के टीम के पास चलते हैं लॉकी एसएसजे गॉड इनकी टीम शायद गोची सौरभ की टीम को शायद दिक्कत में डाल सकती है इधर लेकिन गोची सौरभ घुस चुके हैं इधर देखते हैं क्या होता है और लोकेशन जो गॉड डाउन कर चुके हैं एक प्लेयर को ऑलरेडी काफी प्यारा सुझा हुआ यहाँ पे नेड एस एस जे गॉड का बहुत ही प्यारा नेड था इधर सामने टीम नंबर 6 है टीम नंबर 8 भी है और ये लोग पोचिन की पे फाइट ले रहे हैं जोन पे है टीम नंबर 9 भी है और इधर शायद फाइट होता हुआ टीम नंबर 6 के बीच टीम नंबर 6 के पास चलेंगे हम लोग डायरेक्ट टीम नंबर 6 के पास पीएसवाई डार्क इधर उजी लेके टीपीपी लेके इधर टीम नंबर 9 को आरओआर के अजय को स्पॉट करने की कोशिश करेंगे आरओआर आरओएआर मिक इधर डेड ज़ॉम्बी मुन्ना को डाउन कर चुके हैं मुन्ना के पास चलेंगे हम लोग मुन्ना यहाँ पे डाउन होते हुए डेड ज़ॉम्बी के और यहाँ पे डब्ल्यूएल डाकू मुन्ना को शायद फिनिश ऑफ करेंगे लेकिन पता नहीं मुन्ना की पेटी बनाने में लगे हुए हैं ये लोग और मुन्ना की पेटी बना देंगे मुन्ना का कवर खोते हुए इधर बाउंड्री हंटर अपना एक किल इधर डेड ज़ॉम्बी को देते हुए शील्ड पीके अभी देखते हैं क्या करते हैं उनकी टीम के साथ ऑलरेडी डेड गोल की टीम की फाइट हो चुकी है टीम मोबाइल लेजेंड्स वर्सेस टीम वी आर नूब्स उनके टीम की फाइट है और देखते हैं अभी इधर कौन ये फाइट निकाल के जाएगी बाउंटी हंटर के पास डेथ शॉट यहाँ पे ओपी पॉल को
लेकर जाते हुए पूरा फिनिश करेंगे। इधर बाउंटी हंटर टीम नंबर टू है, डेड जोम्बी टीम नंबर वन, और आरओजी डेड शॉट रिबाउंड कल को भी इधर नॉक करते हुए इधर शायद टीम शील्ड पीके की साइड से प्रे आता हुआ, और शील्ड एजे भी डाउन होते हुए इधर, और रिबाउंड लोका को लेके जाते हुए, और शील्ड अमन डाउन है, इधर शील्ड पीके आके शील्ड रिबाउंड लोका को डाउन करेंगे, और एफ एन एफ डबल एक्स ओपी डाउन करेंगे, क्या काफी कंफ्यूजिंग नाम है उनका भाई, सॉरी पिंग 968 एमएस को डाउन कर चुके हैं इधर, और शील्ड पीके शायद उनका पेटी बनाना चाहेंगे लेकिन पता नहीं। हाँ शील्ड पीके डाउन किया है लेकिन पिंग 968 शील्ड अमन का किल मिलता हुआ पिंग 968 एमएस को, एसओ ए बीस्ट इधर नॉक कर चुका है। फ्रेगर ओपी की टीम किधर है, हमारी फ्रेगर ओपी की टीम किधर है, फ्रेगर ओपी की टीम के पास जाना चाहूंगा मैं। फ्रेगर ओपी की टीम इधर आराम से लूट कर रही है, नोवो रेप नोए पे है वो लोग, उनके पास कोई भी टीम नहीं है, काफी अच्छे पोजीशन पे जोन पे भी है। टीम नंबर 13 मिलिट्री बेस गई है, उनके पास भी एक नजर डाल लेते हैं हम लोग। टीम नंबर 13 उनके पास अभी फाइट नहीं है, बबाई की टीम, हमारी बबाई की टीम, और डेड घोल शील्ड जी को डाउन करते हुए इधर काफी प्यारा चलता हुआ इधर टीम नंबर शील्ड पीके की टीम के साथ। शील्ड पीके दो किल लेके अपने टीम को लेके जाते हैं, और फिर से एक प्लेयर डाउन कर चुके हैं शील्ड पीके, शायद रशिंग करेंगे उनके सामने, लेकिन डेड गोल यहाँ पे काफी प्यारा स्प्रे आता हुआ डेड गोल का, और इसके साथ शील्ड पीके का भी पेटी बना देंगे डेड गोल, इसके साथ हमारे शील्ड पीके की टीम का एलिमिनेशन देखने को मिल रहा है हम लोगों को। पहले ही बहुत ज्यादा 20 टीम्स बची हैं अभी लाइव, और इधर आरओ अजय एसओ बीस को लेकर जाते हुए पोचिन की पे फाइट चलता हुआ, हम लोग चलेंगे पोचिन की पे डायरेक्ट, और यहाँ पे पोचिन की पे चलेंगे आरओ आर अजय, देखते हैं डीओडी रशीद टाइगर बच्चा को फिनिश भी करेंगे आरओ आर अजय रोड अजय टीम नंबर 23 के साथ फाइट लेते हुए, और इधर M24 का चाटा पड़ा श्रेडर की तरफ से, नॉक लेके जाएंगे और अजय यहाँ पे टीम नंबर 9 के अजय यहाँ पे उजी लेके टीपी लेने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद इन पे राइट साइड से उनके पास हमला हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, और टीम 7 के स्क्रंचर यहाँ पे एक नॉक निकालेंगे अपने लिए, टीम 7 का गोची हागेमारो यहाँ पे अल्फा बेनम को डाउन करेंगे, और इधर AD4 एम श्रेडर के पास चलते हैं, एम श्रेडर यहाँ पे एक नॉक निकाल चुके हैं, एक किल उनको मिल चुका है, शॉटगन से क्या करेंगे अभी पता नहीं, देखते हैं। दूसरी टीम लॉकी एसएस जेक गॉड, ऐसे 20 फिनिश ऑफ हो चुके हैं लॉकी एसएस जेक गॉड, और गोची हागीमारो अल्फा बेनम का किल में था, गोची हागीमारो अल्फा डर को भी नॉक कर चुके हैं, गोची हागीमारो के पास चले, गोची हागीमारो कौन सी टीम के हैं थोड़ा देखना पड़ेगा हम लोगों को, मैं थोड़ा कंफ्यूजन में हूं। अच्छा देख लेते हैं, गोची हागीमारो गोची सौरभ दोनों गोची एक साथ मिलके आज तबाही मचा रहे हैं शायद, लग रहा है हम लोगों को गोची हागीमारो गोची सौरभ सब एक साथ है, आज देखेंगे। टीम नंबर 8 अभी गई, दो गोची की डुओ, ये दो गोची के डुओ देखने के, कैन वी हैव अ गोची डुओ ओपी इन द चैट प्लीज, गोची दोनों गोची डुओ यहाँ पे पोचिन की पे क्या हंगामा कर सकते हैं। टीम नंबर 21 और टीम नंबर 23 उनके सामने, और यहाँ पे शायद फाइट हो चुका है टीम नंबर 23 और टीम नंबर लोकी स्लेयर ने एक बंदा डाउन कर चुके हैं, यहाँ पे स्लेयर के पास चलेंगे हम लोग, लोकी स्लेयर आरो रोर मिक को डाउन कर चुके हैं, और लोकी स्लेयर ने अजय को भी डाउन कर दिया, सॉरी अजय को डाउन नहीं किया, और यहाँ पे स्लेयर 07 स्लेयर भी डाउन, स्लेयर से मैं बहुत कंफ्यूज हूं, मार्केलोफ 07 स्क्रंचर लेके जाते हुए मार्केलोफ की टीम के पास चलेंगे, मार्केलोफ की टीम किधर है हमारी, मार्केलोफ की टीम प्लेयर को काफी किल मिलता हुआ इधर, मार्केलोफ की टीम देखेंगे, शील्ड स्टीव को एक बार, शील्ड स्टीव पे ना अभी गन आ चुका है उनके पास, शील्ड स्टीव के पास अभी देखेंगे उनका जलवा, शील्ड स्टीव अभी मिलिट्री के साइड के ब्रिज को पोचिनकी के पीछे के साइड और फार्म के मिडिल के कंपाउंड्स को लूट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा स्ट्रेटेजी उनके तरफ से, और इधर हम लोग देखेंगे दीप डिकार्डो शायद आईजी लिंक करेंगे आज अपनी टीम के लिए, यहाँ से जोन पे निकल चुके हैं दीप डिकार्डो का टीम नंबर 4 है, शील्ड लिल्ला डेल्टा राजू इनको काफ़ी अच्छा खासा लूट मिल चुका है, जो सिटी लूटा है इन लोगों ने, और जोन की तरफ रोटेशन काफ़ी अच्छा रोटेशन दिला रहे हैं दीप डिकार्डो इधर, और ये लोग अभी जोन पे पहुंच चुके, पोचिन की पे फाइट चलता हुआ हमारे टीम नंबर 23 के साथ, टीम नंबर 23 लॉकी एसएसजे गॉड अभी जो भी है जीरो किल मिला है, लेकिन हम लोगों को पता है ये बंदा क्या कर सकता है, काफ़ी अच्छा खिलाड़ी है ये बंदा हमारा लॉकी एसएसजे गॉड, दिखने में काफ़ी छोटा है लेकिन काफ़ी बढ़िया टैलेंटेड प्लेयर है ये, और इधर गोची सौरभ और गोची हागीमारो के डुओ की तरफ हम लोग एक नज़र डाल लेंगे, गोची हागीमारो दो किल मिला है इन लोगों को,
टीम किल्स टोटल 2 है, लेकिन वो अपने दो प्लेयर खो चुके हैं ऑलरेडी। गोची सौरभ एक दिन तबाही मचा चुका। डीओडी रशीद यहाँ पे फिनिश होते हुए डीओडी की टीम के पास चलेंगे। डीओडी रशीद यहाँ पे देखते हैं, ये डाउन है। ग्रेनेड काफी प्यारा ग्रेनेड आया उनकी तरफ और यार डीओडी की टीम डाउन है। डीओडी के सामने कौन सी है, डीओडी टीम के 25, टीम नंबर 25 से डीओडी का रिबॉन्ड की टीम का पंगा होता, सॉरी रिबॉन्ड की टीम नहीं है, टीम का नाम टीम किड्स की टीम का फाइट चलता हुआ। यासिना पोलियाना में वो लोग जोन पे, काफी बढ़िया जोन, इधर ड्रॉप आ चुके हैं, दो ड्रॉप आ चुके हैं, काफी अच्छा शिफ्ट ले चुका है जोन। यही जोन पे हम लोग ने देखा है काफी ज्यादातर जोन से इधर। और इधर टीम नंबर 11 मार्केलोफ की टीम भी है, टीम नंबर 11 के पास चलेंगे। मार्केलोफ शायद रिवाइव हो चुके हैं, हाँ मार्केलोफ रिवाइव हो चुके हैं। अभी तक मार्केलोफ की टीम को तीन किल उठा चुके हैं, लेकिन मार्केलोफ का खाते में अभी तक जीरो किल है। लेकिन हम लोगों को ये भी पता है कि मार्केलोफ लास्ट तीन दिन में क्या परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं अपनी टीम के लिए, अपने टीम के लीडर है और लीडर की तरह खेल भी रहे हैं। M4 किलर काफी प्यारा नॉक निकालते हुए इधर हल्क राहुल को डाउन कर चुके हैं M4 किलर की टीम। M4 किलर टीम नंबर 14 M4 किलर यहाँ पे किल फीड पे उनका नाम आता हुआ और वो भी नॉक लेके नाम आया है, काफी प्यारा, सॉरी काफी प्यारा। और यहाँ पे हल्क राहुल शायद M4 किलर की टीम इधर हल्क राहुल को रैप कर पाएंगे, हाँ नहीं खत्म हो गए हल्क राहुल। M4 किलर क्या कर रहे हैं, इनका शायद पिंग हाई है या कुछ प्रॉब्लम है उनको, अभी भी पिंग रिवाइव दिखा रहा है भाई किसका। लोकी एसएसजे गॉड के साथ फाइट हो चुका है, इधर देखते हैं लोकी एसएसजे गॉड को नॉक कर दिया। लोकी एसएसजे गॉड की टीम फिनिश हो चुकी है, उनका टीम फिनिश हो चुका है। डीओडी असलम डाउन है, डीओडी असलम डाउन है इधर, डीओडी असलम, डीओडी रशीद यहाँ पे काफी बढ़िया नॉक्स निकालते हुए अपने टीम के लिए। और इधर अपने टीम में डीओडी असलम को रिवाइव, उनके पास ग्रोजा आ चुकी है डीओडी असलम, सॉरी डीओडी रशीद के पास। और अभी शील्ड और इधर शील्ड फ्रेगर ओपी के पास चलते हैं। हमारे फ्रेगर ओपी, फ्रेगर ओपी की टीम किधर है, फ्रेगर ओपी की टीम नोवो पे है ये पता है, लेकिन इधर भाई किसका ऑल पे चैट ऑन है, भाई प्लीज बंद कर दो यार, बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, कितनी बार पहले भी बोल चुका हूँ मैं। फ्रेगर ओपी के पास काफी अच्छा लूट है, लेकिन उनको एक भी हेल्थ किट नहीं मिला अभी तक, एक मेडकिट है, दो पेन किलर है, पांच ड्रिंक है और 10 बैंडेज है। भाई कौन, भाई प्लीज भाई बंद कर दो अपना ये जो मशीन लगा रखा है अपने मुंह में, प्लीज भाई बंद कर, प्लीज भाई भगवान के लिए बंद कर दे मेरे भाई, बंद कर दे। लड्डू खिलवाऊंगा कल, लड्डू दिला दूंगा दो तीन तुझे भाई, फ्री में दो तीन किल ले जा, लेकिन अपना ये मुंह बंद कर दे भाई प्लीज यार, भाई प्लीज बंद कर दे भाई अपना मुंह बंद कर। रेड जोन इधर आता हुआ डेड गोल की टीम के पास चलते हैं। हमारे टीम शील्ड, टीम की शील्ड खेल रही है आज, एक ही किल है उनके पास, शील्ड रैन को व्हीकल मिली है, शील्ड सी अभी जोन पे रोटेशन डालने की कोशिश। टीम फोर के पास चलता है, टीम फोर के पास चलेंगे। दीप डिकार्डो M16 एंड AKM की कॉम्बो, अच्छा कंपाउंड होल्ड करके रखा है, उनको पता ही है कंपाउंड क्या मायने रखती है कस्टम मैच में, उनको अच्छे से पता है, काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है दीप डिकार्डो। दो व्हीकल के साथ उनकी टीम रोटेशन डाल रही है, शायद वही आज टीम को रोटेट करवा रहे हैं और अपने टीम को लीड भी करेंगे दीप डिकार्डो। देखिए इनका मतलब हाव भाव देख के भी पता चल रहा है कि ये कैसे टाइप के खिलाड़ी हैं। ये हमारे शील्ड टीम को बहुत बढ़िया बढ़िया, और शील्ड लीला इनके साथ मजाक करते हुए दिख रही है हमको, शील्ड लीला को खा के कोई काम नहीं मिलता, बस यही करती रहती है, नेड मारेंगे क्या करेंगे उनको, नेड मतलब क्या, ये नेड से बहुत ही टीममेट छुड़ाती रहती है ये, और यहाँ पे ये मजाक कर रही है टीममेट्स के साथ। देखिए आप, जैसे कि आप देख सकते हैं शील्ड यहाँ पे डांस कर रही है, मुक्के मार रही है, उनको शायद कोई परवाह नहीं है गेम का, जैसे बिंदास खेल रही है शायद उनके नाम चिकन लिखा हुआ है, उनको कुछ पता नहीं है, बस मुक्के मारे जा रही है, काश ऐसे एनिमी को मुक्के मार पाती। वैसे किल्स तो निकालती है, 1v3 करती है, पहले दिन भी 1v3 कर चुकी है, वो दिखा चुकी है अपना हुनर दिखा चुकी है। लेकिन अमृत यहाँ पे डाउन करते हुए 4HM की टीम के एक मेंबर को, अमृत के पास हम डायरेक्ट अमृत के पास चलेंगे। अमृत यहाँ पे गिली सूट लेके घूम रहे हैं, वो दिख भी रहे हैं पत्थर के, और यहाँ पे अमृत काफी प्यारा इधर स्प्रे मक्खन की तरह स्प्रे मारते हुए अमृत M4 की तरह, और AWM भी है उनके पास, खत्म करते अमृत अपने नाम पे एक किल लुटा के। और यहाँ पे केडी की टीम रशिंग करती हुई शेल्टर पे, टीम नंबर 13 के ऊपर, और देखते हैं क्या नतीजा निकल के आता है। इधर XYZ सामने बैठे अमृत के साथ, अमृत के पीछे और एक लेके जाएंगे, और इधर नीड आता हुआ अमृत की तरफ, लेकिन अमृत बच जाएंगे शायद। और इधर अभी देखिए, अभी केडी टीम शायद पूरी की पूरी टीम इधर रशिंग करती हुई, हंटर किंग भी आ चुके हैं, उनके एक काफी अच्छे असोल्टर माने जाते हैं हमारे हंटर किंग, लेजेंडरी हॉर्ड, ये तो लेजेंड नाम पे ही लेजेंड लिखा हुआ है। आप बाकी सोच सकते हैं घोसा लेके बैठे हैं हमारे केडी हेड शूटर जो उनके टीम के IGL हैं,
वो भी शायद रश करने की सोच रहे हैं, उनके टीम को क्या कॉल मिलता है वो देखते हैं। अभी अमृत एक नेड कर ग्रेनेड करके शायद उनको रशिंग करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर रशिंग करेंगे एक प्लेयर ऑलरेडी डाउन है, शायद वो लोग थोड़े डिसएडवांटेज उनको मिल सकता है। एक प्लेयर तो ऑलरेडी डाउन मतलब फिनिश ऑफ हो चुका है और जो साइड में बैठा है उनकी टीम, देखते हैं अमृत क्या करते हैं। इसके साथ पूरी की पूरी टीम को ये मैंने क्या देख लिया, ये मैंने क्या देख लिया, ये क्या देख लिया, ये मैंने क्या देख लिया। प्लीज भाई गाली मत दो भाई, मुझे सब सुनाई दे रहा है भाई। प्लीज भाई गाली मत दे भाई, मैं तुम्हारी टीम से हट रहा हूँ भाई। डेड गोल के पास चलेंगे भाई, प्लीज गाली मत करो भाई, ऐसा अच्छा नहीं है। आपने स्क्वाड वाइप किया है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए भाई, प्लीज ऐसा मत करो। एक दूसरे का रिस्पेक्ट करो, सब प्लेयर है, आज आपने मारा है कल वो भी मार सकते हैं आपको, कोई बात नहीं, ऐसा मत करो। हमको सब सुनाई दे रहा है, ऑल चैट ऑन करके बैठे हो आप लोग, ऐसा ठीक नहीं है ब्रो। तो चलते हैं हमारे दीप डिकाटो शायद यहाँ पे डालेंगे टीम नंबर के ऊपर, और इनके पास एक गाड़ी रखी सकता हुआ, लेकिन नहीं, वो शायद उनकी टीम के हैं। और इधर अभी शायद अभी कभी काफ़ी क्लस्टर देखने को मिल सकता है हम लोगों को। और शील्ड टीम शील्ड स्टीव किधर है, शील्ड स्टीव के पास हम लोग नज़र तो डालना ही पड़ेगा हमारे शील्ड। और यहाँ पे जोन भी शायद शील्ड स्टीव को फेवर करेगा, इधर जोन यहाँ पे शील्ड स्टीव का काफी सामने बनता हुआ। टीम 4 टीम 10 शील्ड की दोनों टीम इधर जोन पे अच्छी जगह लेके साथ बैठे। और आरओजी ग्लेडिएटर को डिपिकाटो डाउन करेंगे, हम डिपिकाटो के पास चलेंगे। डिपिकाटो काफी बढ़िया इधर एमपीसी का टैप चलाते हुए और शायद आरओजी की टीम को बहुत ही बढ़िया मार रहे हैं। डिपिकाटो क्या मार रहे हैं, डिपिकाटो क्या यहाँ पे डिपिकाटो को किल मिलेगा, पूरा का पूरा किल मिला की टीम इधर आरओजी की टीम के ऊपर चढ़ के बैठी हुई है। डिपिकाटो ऑलरेडी एक नॉक निकाल चुके हैं, अभी पूरी की टीम उनके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर, शायद रशिंग करेंगे। शिलीला के पास M16 है, शील्ड ट्रैक के पास चलते हैं हम लोग, नहीं आ रहा शील्ड डेल्टा राजू, सबके पास सब M16 लेके बैठे हैं, सबके सब DMR स्पेशलिस्ट हैं शायद उनके टीम के। दीप डिकाडो काफ़ी अच्छा खेल रहे हो आप, और इधर देखते हैं दीप डिकाडो आप किल निकाल जाते हैं। AKM शायद इधर AKM का सिंगल टैप यूज़ करेंगे। ROG के ग्लेडिएटर ROG की टीम के पास चलते हैं, ROG की टीम से टीम नंबर 21 है, यस ROG ग्लेडिएटर यहाँ पे रेव हो चुके हैं और उनके टीम मेट अभी उनके पास आएंगे। ROG डेथ शॉट, ये थ्री मैन खेल रखा है, उन लोगों ने 29 किल चिकन डिनर निकाला था। टीम से हर साइड से टीम रोटेशन डाल रही है अभी। FNF डबल एफ ट्रिपल एफ OP के ऊपर इधर से आता हुआ किल का इधर देखते हैं, लेकिन FNF OP शायद डाउन हो सकते हैं, लेकिन नहीं, टीम नंबर 24 उनके बगल में से निकल जाएगी। टीम को कोई नहीं, कोई नॉक नहीं मिला इन लोगों को। और दीप डिकाडो काफी अच्छा नॉक निकाला, लेकिन बैड लगा। शील्ड रायन ने नॉक निकाल चुके हैं गोची शुरप का, शील्ड रायन के पास चलेंगे हम लोग। शील्ड रायन 2 किल निकाल चुके हैं, गोची हगेमारू को फिनिश करेंगे। शील्ड रायन के पास 2 किल, दोनों किल आता हुआ गोची की टीम का, और गोची का डुओ का इधर खात्मा होते हुए हम लोगों को देखने को मिल रहा है। फ्रेगर ओपी की टीम किधर है, हमारी फ्रेगर ओपी की टीम भी रोटेशन डाल चुकी है, काफी अच्छा खासा जोन लेके बैठी हुई है फ्रेगर ओपी की टीम। और फ्रेगर ओपी हमारे टीम को लीड कर रहे हैं काफी अच्छा, और शील्ड स्टीव को शायद स्पॉट करेंगे, ये शायद शील्ड स्टीव को स्पॉट करेंगे। शील्ड स्टीव गाड़ी उठाते के इधर जा रहे हैं, शायद शील्ड स्टीव के ऊपर इधर स्प्रे आता हुआ, शील्ड स्टीव उनको पता नहीं शील्ड स्टीव है। और यहाँ पे शील्ड स्टीव अपने स्प्रे से बच जाएंगे, उतना जगह पे पड़ा नहीं उनका स्प्रे, नहीं तो शील्ड स्टीव यहाँ पे नॉक कर सकते थे। और शील्ड की पूरी टीम इधर जोन पे रोटेशन डाल रही है अभी, काफ़ी अच्छा डिसीजन शील्ड स्टीव। और दीप डिकाडो अभी भी उधर ही होल्ड कर रहे हैं AKM को 6 सेक्टर। आज के डेथ शॉट ROG के डेथ शॉट इधर और एक नॉक निकाल चुके हैं ROG की टीम के पास चलेंगे। ROG टीम 23 ROG डेथ शॉट, कल बहुत प्यारा गेम प्ले दिखाया है इन्होंने। इधर शायद टीम नंबर 11 मार्केलोफ की टीम, शायद हमारी मार्केलोफ की टीम है, मार्केलोफ की टीम के एक बंदे डाउन कर चुके हैं, क्या शहरियार माजूम को डाउन कर चुके हैं इधर डेथ शॉट। अभी मार्केलोफ RS डेविल इनकी पूरी टीम आज की नहीं खेल रही, कल जो टीम खेली थी LGX DJ किंग LGX नशेड़ी, सो आई मीन सॉरी यार नशा गॉड उनका नाम नशा गॉड है, मैं बार बार नशेड़ी बोल रहा हूँ यार उनको, आई एम सो सॉरी ब्रो, माफ़ करना मुझे। देखते हैं अभी शील्ड स्टीव की टीम के पास, शील्ड स्टीव दोनों के सामने, हाँ शील्ड स्टीव अच्छे रिज लेके बैठे, पत्थर का कवर लेंगे, लेकिन उनके पास जोन है, इनको जोन पे जाना है, काफ़ी
ऑलमोस्ट 150 मीटर जोन पे जाना है, लेकिन दीप डिकार्डो का तारीफ करना पड़ेगा। जिस जगह पे आके बैठे हैं उसी का आमने सामने जोन बना है, लेकिन उनको भी जोन पे रोटेट करना पड़ेगा। अभी देखिए दीप डिकार्डो से ज़्यादा दूर नहीं है जोन, फिर भी उनको वो ग्रीन हाउस XYZ यहाँ पे डाउन कर चुके हैं। XYZ बबाई की टीम XYZ के पास चलते हैं। XYZ डाउन कर चुके हैं इधर एक प्लेयर को, AWM का चाटा मार के शायद वो दूसरे प्लेयर को मार के लिया है। हाँ काफी है। टीम 16 है उनके सामने, टीम 16 किधर है? मामा SK हाइड्रा टू बाबू हाइड्रा क्या IFG, बढ़िया बढ़िया नाम रखा है भाई लोग आपने। हमारे जीजू के पास, जीजू के टीम के पास रीदा है, हमारे जीजू हैं उनके, हाँ उनका गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम दिखता हुआ इधर, और यहाँ इनके ऊपर स्प्रे नहीं, उनका टीम स्प्रे कर रहा है। GTA खालिद ROG डेस्कॉट मार्केट ऊपर लेते हुए यहाँ पे ROG के टीम टीम नंबर 23 ROG के डेथ शॉट यहाँ पे मार्केट ऊपर लेके जाते हुए इतने बड़े जोन पे 36 प्लेयर अलाइव है मार्केट ऊपर की टीम के। और यार मजूम भी खत्म होते, मार्केट ऊपर भी खत्म होते हुए टीम नंबर 11 का शायद इधर एलिमिनेशन हो चुका है। हाँ जी टीम नंबर 11 का एलिमिनेशन मामा SK भी फिनिश ऑफ होते हुए दिखने को मिल रहे हैं। ROG की टीम आज भी एक अच्छा पोजीशन लेके बैठी हुई है, जैसे आप देख सकते हैं मामा SK तम और शी टीम, देखते हैं अभी किसके पास जाना चाहिए हम लोगों को, देखते हैं अभी किसके पास जाना चाहिए हम लोगों को। डेड घोल के पास चलेंगे, डेड घोल शेल्टर पे है, शेल्टर पे काफ़ी प्यारा फाइट हो चुका है पहले। डेड जोम्बी है और फ्रेगर ओपी की टीम किधर है? फ्रेगर ओपी की टीम हाँ बढ़िया जोन लेके बैठी हुई है फ्रेगर ओपी की टीम। टीम नंबर टेन किधर है हमारे टीम नंबर 10 शील्ड स्टीव की टीम। वेयर इज टीम नंबर टेन? टीम नंबर 10 हैज बीन एलिमिनेटेड, व्हेन हाउ बाय होम, ये कैसे हो गया, कब हो गया, हम लोगों को पता भी नहीं चला, लेकिन बहुत ही बुरा लग रहा है इनके लिए मुझे। और इधर FNX OP M4 किलर को लेके जाते हुए M4 किलर टीम नंबर 23 किया। आज भी ये लोग अपना गेम प्ले दिखा पाएंगे? नहीं जी नहीं। टीम नंबर 21 सॉरी ROG डेथ शॉट टीम नंबर डेल्टा राजू को लेकर जाते हुए, डेल्टा राजू इधर डाउन हो चुके हैं। डेल्टा राजू टीम नंबर इधर IGL की टीम के पास चलेंगे। इधर दीप डिकार्डो कहाँ पे हैं? डेल्टा राजू डाउन हो चुके, शील्ड हिल्ला भी डाउन है। दीप डिकार्डो बीआर टीम लेके आगे बढ़ती हुई, और इधर शील्ड हिल्ला डाउन हो चुका है दीप डिकार्डो के पास, अभी पूरा गेम आ चुका है। दीप डिकार्डो सिंगल टैप क्या कर सकते हैं देखना पड़ेगा हम लोग। ROG की टीम इन पे स्पॉट करने की कोशिश, और दीप डिकार्डो का भी फिनिश ऑफ होता हुआ खत्म, पूरा की पूरा IGL का टीम घातक यहाँ पे एलिमिनेट होता हुआ। आज भी ये लोग अपना जलवा दिखा रहे हैं, टीम ROG आज भी अपना जलवा दिखाते हुए नजर आ रही है। ROG डेथ शॉट और FNXX OP क्या गेम प्ले दिखा रहे हैं ये लोग। आज भी 14 किल ले चुके हैं ये लोग। डेड गोल के पास चलेंगे, इनका गेम प्ले भी काफी बढ़िया रहा है दो तीन दिन से। ये लोग ये भी टू मैन अभी खेल रहे, डेड जोम्बी हमारे भाई आज आए हैं गेम खेलने दो तीन दिन, वो लोग वो आ नहीं पाए अपने नेट का प्रॉब्लम का वजह से। देख चलते हैं हमारे फ्रेगर ओपी के पास, क्या प्रॉब्लम है भाई हमारी फ्रेगर ओपी के पास चलेंगे। सॉरी ब्रो नेट का थोड़ा इश्यूज आ गया इधर, और XYZ की टीम के टीम नंबर 13 के XYZ यहाँ पे 4-5 किल उठा चुके हैं। GTA खालिद और रिकॉर्ड जुना टीम नंबर 18 अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। टीम नंबर 6 टीम बची हुई है और बचे हुए हैं सिर्फ 17 प्लेयर्स। टीम नंबर 20 जीजू की टीम काफी अच्छा पोजीशन लेके बैठे, 4-2 बंदे इधर बैठे हैं और बाकी तो 2 प्लेयर्स किधर है, हाँ बाकी तो थोड़ा स्प्रेड आउट खेल रहे हैं ये लोग। टीम नंबर 8 के पास चलेंगे, रेकर जुना नहीं अभी टीम फ्रेगर ओपी देखते हैं क्या करते हैं हमारे फ्रेगर ओपी। अच्छा जोन प्रोन डाउन होकर बैठे हैं, AUG है उनके पास, उनके सामने टीम 21 है, क्या फ्रेगर ओपी स्पॉट कर पाएंगे टीम नंबर 21 को? उनके साइड में टीम नंबर 20 भी है, अभी कभी क्लस्टर बनता हुआ इधर टीम नंबर 3 के पूरे की पूरी टीम बची हुई है, फिर भी ये लोग 3 मैन खेल रहे हैं लेकिन फ्रेगर ओपी
स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये स्पॉट कर गए तो फिर काफी अच्छा है, लेकिन आरओजी ग्लेडिएटर भी बहुत ही जुझारू खिलाड़ी है, कल भी बहुत अच्छा गेम। और आरओजी ग्लेडिएटर इधर घूम रहे हैं आसपास, दीप डिकार्डो की बीआरडीएम ले चुके हैं। दीप डिकार्डो को बहुत ही गुस्सा आता होगा इनके ऊपर अभी, क्योंकि दीप डिकार्डो की बीआरडीएम फाइट फाइट करता हुआ देखते हैं रिवर्स की टीम। और इधर आरओजी ने छोटी गुरु को डाउन कर चुके हैं, आरओजी डेड शॉट यहां पे फ्रेगर ओपी की टीम, फ्रेगर ओपी भी डाउन है। और इधर एक्सपर्ट ओपी खत्म होते हुए फ्रेगर ओपी के पास, फ्रेगर ओपी डाउन हो चुके हैं। फ्रेगर ओपी की टीम का शायद डीओडी असलम डाउन कर चुके हैं एफएनएक्सएस ओपी को। डीओडी असलम के पास चलेंगे। अभी यही एक टीम है जो आरओजी को टीम को काफी टक्कर दे सकती है। एक प्लेयर डाउन कर चुके हैं, क्या यहाँ पे डीओडी की टीम रशिंग करेगी, क्या रशिंग करेंगी, काफी अच्छा कवर भी इनके पास। एमएस रेडर यहाँ पे डाउन करेंगे आरओजी ग्लेडिएटर, क्या यहाँ पे ग्लेडिएटर की टीम बहुत सिर्फ आरओजी डेथ शॉट बचे हुए, इनके दो प्लेयर्स ऑलरेडी डाउन है। यहाँ पे काफी कवर तो है इनके पास, मोड़ करके अपने प्लेयर को रेप करेंगे, लेकिन साइड से प्लेयर आता हुआ टीम करेगी, लेकिन हृदय को क्या स्पॉट करेंगे यूएमपी 45 के बाद। सब्जी होली बेबी येगा एंड जीरो नवा, ये चार प्लेयर, चारों के चारों प्लेयर बचे हैं, मैन पावर उनके पास है, लेकिन क्या ये गेम वो लोग निकाल पाएंगे। सब टीम को जोन पे जाना है, सब टीम नंबर 18 हृदय अपने लिए अपना जीटीए यहाँ पे आरओजी ग्लेडिएटर को डाउन कर चुके हैं। आरओजी ग्लेडिएटर सॉरी फिनिश करेंगे जीटीए खलीफ को खत्म करेंगे। एफ एनएफ ओपी डाउन है, आरओजी डेथ शॉट पिट से यहाँ पे उनको रैप करने के, लेकिन डीओडी की पूरी टीम में टीम का एलिमिनेशन देखने को मिल रहा है। काफी प्यारा गेम प्ले, डीओडी असलम डीओडी रशीद एडी फोर एमस्ट्रेडर ओपी इन द चैट प्लीज, डीओडी रशीद ओपी इन द चैट प्लीज। इन्होंने पूरी की पूरी ग्लेडिएटर को टीम को यहां पे फिनिश कर चुके हैं यहां पे। और यहां पे एमस्ट्रेडर के लिए भी बुरा लग रहा है, वो भी जोन के बाहर खत्म हो चुके हैं, लेकिन टीम नंबर 20 अभी भी अच्छी गेम प्ले टीम, पूरी की पूरी टीम बची हुई है 2v4 का। और डीओडी के असलम खत्म हो चुके हैं, पूरी की पूरी टीम एलिमिनेट, अभी 2v4 का सिचुएशन। जीटीए खलीद वर्सेस रेकार्ड जुना, उन लोगों की टीम के पास पांच टीम है, 3v2 का गेम है अभी। क्या हृदय ये गेम निकाल पाएंगे, क्या हृदय ये गेम निकाल पाएंगे। जीरो नवा यहाँ पे, जीरो नवा भी डाउन हो चुके हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, उनके पास मेन पावर था बेबी येगा, रिवाइव हो चुके हैं हृदय स्मोक करके, शायद आगे जाने की कोशिश में होंगे। हाँ उनके पास जोन उनके पास है, दो साइड से वी एंगल बना के मारने की कोशिश इन लोगों को। अभी टीम नंबर 18 वर्सेस टीम नंबर 20 हमारे आज के मैच, यहाँ पे एक विनर देखने को, कुछ ही टाइम में विनर देखने को मिल सकता है। रिदर्स अपना हेल्थ फुल कर चुके हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे स्मोक करके आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन उनके पास यूएमपी 45 है, काफी हेल्थ लो हो चुकी है उनकी। रेकर्ड जुना काफी अच्छा स्प्रे कर रहे हैं, रेकर्ड जुना के पास चलेंगे हम लोग, रेकर्ड जुना अकेले बचे हुए अपनी टीम के लिए। यहाँ पे 1v2 का, शायद 1v3, लेकिन उनके एक प्लेयर फिर भी डाउन है, लेकिन फिर भी नहीं, हाँ एक प्लेयर डाउन है, लेकिन रेकर्ड जुना क्या 1v2 निकाल पाएंगे यहाँ पे, शायद थोड़ा आगे जा रहा है हृदय को यहाँ पे लेके जाते हैं रेकर्ड जुना। 1v1 का सिचुएशन यहाँ पे, क्या रेकर्ड जुना ये गेम निकाल पाएंगे, देखते हैं। एक गेम लेके आगे बढ़ते हुए लास्ट 1v1 का सिचुएशन, बहुत ही इंटेंस सिचुएशन पे हमारा ये गेम। डाउन यहाँ पे हृदय की टीम, बहुत ही बड़ी अच्छी कंडीशन लेके जाते हुए मेरी जीजू की टीम। इसी के साथ कांग्रेचुलेशंस टू टीम हृदय, उनके टीम का नाम मैं भूल चुका हूँ, लेकिन कांग्रेचुलेशंस टू यू मैन, यू प्लेड लाइक रियल चैंपियन। व्हाट अ टीम, व्हाट अ टीम कॉम्बिनेशन, व्हाट अ टीम कोऑर्डिनेशन, कांग्रेचुलेशंस टू यू मैन, बहुत ही अच्छा खेला। रेकर्ड जुना आप भी बहुत अच्छा खेले, काफी अच्छा किया अपने टीम के लिए। 2v4 अपने ऑलरेडी निकाल चुके थे आप लोग, लेकिन हमेशा लक साथ नहीं होता, फिर भी आपको भी चिकन डिनर मिला है मेरा साइड से, हर प्लेयर्स की साइड से, गेम की तरफ से। आप भी ये गेम जीते हो भाई, कोई टेंशन नहीं है, बहुत ही अच्छा गेम प्ले दिखाया हमारे हर एक प्लेयर ने, बहुत ही अच्छा खेले, आगे और भी अच्छा खेलने का ट्राई करो। और मैं नाम लेना चाहूँगा स्पेशली दीप डिकार्डो की, यहाँ पे हमारे दीप डिकार्डो भाई काफ़ी अच्छा खेले, उनके बैडियम लेके चले गए, फिर भी टीम शेलीला की टीम काफ़ी अच्छा खेला, आज जोन रोटेशन काफ़ी अच्छा था उन लोगों का। ठीक है कल भाई, आज के लिए इतना ही, कल फिर से थोड़ा नेट का इश्यूज आया था, ये आपका भाई का गरीब का अकाउंट है, कोई बात नहीं, चलता है ये सब, गेम में आता जाता रहता है। अल्फा भाई अभी इन्वाइट मत दीजिए, अभी मैं गेम पे हूँ। और चलिए भाई आज के लिए इतना ही, कल हम आएंगे फिर एक नए मैच के साथ, शायद कल वीकेंड ही होगा, सॉरी आज सब पब्लिक डिमांड था एरंगल के लिए, तो हम लोग ने एरंगल करवाया, तो कल हम लोग आएंगे वीकेंड ही मैप लेके। तो साथ में रहिए, खेलते रहिए, हंसते खेलते रहिए,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हो सके तो शेयर भी कर देना यार। काफ़ी अच्छा प्यार मिल रहा है हम लोगों की वीडियो को, आपका काफ़ी प्यार देखने को मिल रहा है। हम सब पूरी शील्ड की टीम से आप लोग सबको थैंक्स, एंड आज के लिए इतना ही। तो चलिए बाय बाय, अपने भाई को गुड नाइट बोल दीजिए। गुड नाइट, टाटा, स्टे सेफ ब्रो।